34-35 दिन पहले तक मतलब बल्ले का निशान का फैसला वो भी आपने 12 जनवरी तक रख दिया, यानी कोई 24 दिन जाएंगे। अब ये नाहली केस है, ये गालिबन अब दर्जन ने लिखा गया, तो ये तो अगर यानी कोई ना कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट को इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, वाइंड अप हो जाना चाहिए, वरना तो इस जैसे 90% जो है वो तहरीक इंसाफ के कहते हैं जी उनके कागजाती मुस्तरद कर दिए गए, नवाज शरीफ की नाहली अपनी जगह, तो ये कैसे हुआ कि अदालतों में फिर इलेक्शन कैसे होंगे, कैसे माहौल बनेगा पाशा साहब? बरेली साहब, एक बात, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि ये जो नवाज शरीफ की नायली और जंगीर तरीन की नायली का है, वो तो मेरा ख्याल है 4 तारीख को फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और आप सबको मैं कुछ फैसले नविश्ते दीवार होते हैं, आपको भी समझ आ गई होगी, तमाम नाजरीन को, क्योंकि वो सारे वो टेलीकास्ट लाइव टेलीकास्ट हुआ वो। तो दूसरी बात जो है बल्ले के निशान की, वो वाकई एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद बल्ले का निशान पीटीआई से छीन लिया गया, ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है। और बताओ, स्टूडेंट ऑफ लॉ हम ये समझते हैं कि बल्ले के निशान पे हक पीटीआई का है और इनको मिलना चाहिए, और उनके उम्मीदवारान को इस निशान पे इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये तो है वो दो सवालों के आपके जवाब दी।